कि वो तो प्रभावित पूरे राज्य के किसान हैं। और आपने देखा होगा कि 31 जुलाई तक जो वर्षापात था वो काफी कम था। एक चीज यह भी अनुभव के आधार पर देखा गया कि 2014-15 में सुखाड़ की नौबत आई, 18-19 में आई और अब 22-23 में आ रहा है। मतलब हर तीसरे चौथे साल यहाँ जो मौसम का चक्र है उसका प्रभाव से यहाँ के किसान हर चौथे साल में प्रभावित हो रहे हैं। यह बात खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अनुभव के आधार पर पूरी मीटिंग में हम सब माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना साहब और हम और मुख्य सचिव और सभी विभाग के प्रधान सचिव के सामने रखा तो पाया गया कि नहीं, इस बात में सच्चाई और उसके अकॉर्डिंग एक्शन प्लान बना। 1000 कुआं का निर्माण, 1,00,000 कुआं मिशन मोड पर, मनरेगा में कैसे लोगों को इंगेज करें, टूरिज्म के अवसर भी खोजें और साथ ही कैसे बीज में सब्सिडी दें, इन सब चीजों को लेकर सारा चीज इन्होंने ब्रीफ किया। और एक अभी जो सोविंग रिलीफ होता है, यदि सुखाड़ है हमने फसल बो दिया और फिर हमारा नुकसान होता है, सुखाड़ घोषित होता है, तो वर्षा पर जो खेत निर्भर 6800 रुपया प्रति हेक्टेयर, जो खेत स्योर्ड इरीगेशन एरिया लैंड है 13,500 रुपया प्रति हेक्टेयर, ये तो किसान के लिए था। पशुओं के लिए यदि हम उनको क्लब करके रखते हैं तो बड़ा जानवर 70 रुपया जो इनके तरफ से आया है और छोटा जानवर 35 रुपया, और यदि हम क्लब करके नहीं रखते हैं तो उनके जो चारा को ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो, यदि पेयजल की समस्या आती है तो टैंकर से भी पानी हम पहुंचाने का प्लान कर रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर कैटल फीड में हम क्या सब्सिडी दे सकते हैं, सब पर विस्तृत चर्चा और SOP तैयार किया गया। और यह देखा गया कि अर्लियर ड्रॉट डिक्लेयर करें या फिर लेटर करें, तो किसान हित में लेटर यदि हम करते हैं डिक्लेयर तो ज्यादा फायदा उनको मिलता है। यदि हम ग्रेचुअस रिलीफ देते हैं तो 60 रुपया प्रति व्यस्क और 45 रुपया प्रति व्यस्क 3 महीने तक ही हम दे पाएंगे और उसके बाद फिर उनके पास समस्या उत्पन्न होगी। अमूनन यदि सुखाड़ नहीं होता, लोग खेती करते, अपना पूंजी लगाते, तो नवंबर दिसंबर में उनके पास जो लागत है उसके अगेंस्ट में उनको फिर से आना शुरू होता, आमदनी शुरू होती। तो हम ये सोच के देख रहे हैं कि यदि हम अभी से देना शुरू करें तो फिर नवंबर दिसंबर में जो स्थितियां परिस्थितियां उत्पन्न होगी, किसान उससे कैसे निपटेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने थोड़ा प्रोसेस को डिले किया। और अभी हम लोगों ने वी डोंट गिव देम फेस, वी टीच देम कि हाउ टू फेस, रोजगार सृजन करने के लिए कन्वर्जेंस, माइनर इरिगेशन, टूरिज्म, ग्रामीण विकास, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कोऑपरेटिव, सबको उन्होंने ये कहा। साथ में सबसे बड़ी बात जो संवेदनशीलता माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाई इस मीटिंग में कि जो हम पेंशन देते हैं, जिस तरह राशन हम महीने के शुरू में देते हैं, हम उन्हें वृद्ध को, बुजुर्ग को, दिव्यांग को, विधवा बहन को पेंशन हम 6 महीना नहीं मिलता था, 7 महीना नहीं मिलता था, लेकिन अब वो पेंशन एडवांस में मिलेगा। मतलब ये नहीं कि महीना पूरा होने पर 5 तारीख को मिलेगा, महीना के शुरू में ही 5 तारीख को मिलेगा जो उस पूरे महीने का पेंशन होगा। ये संवेदनशीलता है और सुखाड़ को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है। और साथ ही हमारे किसान मित्रों को लेकर एक बैठक थी, किसी विभाग से फाइल आया था, वो लोग काफी समय से मांग कर रहे थे कि हम लोगों को भी कुछ हमारे लिए किया जाए, उनकी मांगे थी, जायज मांगे थी। अभी फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुल प्रोत्साहन राशि किसान मित्रों का 2,000 रुपया प्रति मंथ देने का अभी निर्णय लिया। मतलब अब उन्हें प्रोत्साहन राशि, पहले 12,000 रुपया प्रति साल मिलता था, अब 24,000 रुपया प्रति वर्ष मिलेंगे कृषि कार्यों में गति लाने के लिए, तेजी लाने के लिए, उनके कमिटमेंट के लिए। तो केंद्र को अभी नहीं भेजा जाएगा दादा, और मांझी बहुत सारे नेता बीजेपी के गए हुए और मांझी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।